सोशल मीडिया पर इस्लामी कट्टरपंथियों के दो वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में वे भाजपा से निलंबित विधायक राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित ईशा निंदा टिप्पणी के लिए धमकाते हुए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों इस्लामाबादियों द्वारा हैदराबाद की सड़कों पर अल्लाहू अकबर गुस्ताख के रसूल की एक सजा सरतन से जुदा जैसे नारे लगाने के बाद ये वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में राजा सिंह की गिरफ्तारी और उनका सिर काटने की मांग की गई है। कट्टरपंथियों ने राजा सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए और दोहराया कि भाजपा विधायक ने कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय और उनके पैगंबर का अपमान किया है। दोनों वीडियो को तेलुगु लाइव टीवी चैनल तेलंगाना माता ने शुक्रवार को साझा किया। पहले वीडियो में एक मुस्लिम विधायक कहता है कि यदि हैदराबाद के आयुक्त और गृहमंत्री ने विधायक राजा सिंह के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं की तो विधायक को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वीडियो में मुस्लिम युवक राजा सिंह को परोक्ष रूप से धमकी देते हैं और निलंबित भाजपा नेता के लिए हमी और कू की औलाद जैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता। विधायक के साथ साथ उनके समर्थकों को भी धमकी देता है। इस कट्टरपंथी युवक ने न केवल निलंबित भाजपा नेता को गाली और सिर काटने की धमकी दी बल्कि उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे। उसने राजा सिंह के समर्थकों को धमकाया और कहा कि यदि तेलंगाना पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो इनका हश्र भी राजा सिंह जैसा ही होगा। धमकी देते हुए यह युवक कहता है कि तुम्हारा हैदराबाद में जीना हराम कर देंगे। हम सभी मुस्लिमों से अपील करते हैं कि इसको जहां भी देखें सबक सिखाएं। इसके अलावा वह वीडियो में विधायक राजा सिंह उनकी मां और उनके समर्थकों को लगातार गालियों का प्रयोग करता है। दूसरे वीडियो में खुद आयशा परवीन बताने वाली बुर्का पहनी एक मुस्लिम महिला ने विधायक राजा सिंह को पैगंबर को कथित तौर पर गाली देने के लिए मौत की धमकी दी। उसने सुअर और जाहिल कहकर संवैधानिक पर बैठे विधायक राजा सिंह का अपमान किया। उसने इस्लाम का अपमान करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आगे कहा कि राजा सिंह ने पैगंबर के बारे में जो कुछ भी कहा वह इसलिए था क्योंकि उन्हें तेलंगाना की सत्ताधारी टीआरएस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उसने दावा किया कि अगर टीआरएस का मदद नहीं होता तो राजा सिंह राज्य में इस तरह का भाषण खुले तौर पर नहीं दे पाते। उसने दावा किया कि तेलंगाना सरकार राज्य के सांप्रदायिक संघर्ष से लाभ ले रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।